नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर नगर में आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान समाजवादी युवा सोच संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश यादव ने सरकार पर जमकर साधा निशाना। राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश यादव ने कहा कि रामपुर से सांसद आजम खान के ऊपर जो भी फर्जी मुकदमे लगे हैं, मुकदमों को लगाने के साजिश से डीएम व कप्तान को स्पेशल सरकार की तरफ से भेजा गया कि जाओ सांसद के ऊपर फर्जी मुकदमा ला दो। और राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि अगर रामपुर में मच्छर भी मर जाते तो 302 का मुकदमा आजम खान के ऊपर लगाकर केस दर्ज किया जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश में हो रहे महिलाओं के अत्याचार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और किसानों की लगातार हो रही हत्याएं एवं जिस तरह से किसान बॉर्डर पर सर्दी गर्मी बरसात में आंदोलन में डटा हुआ और दिल्ली के बॉर्डर पर डटे 200 किसानों की हत्या हुई और इस पर भी जमकर निशाना साधा और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी संवेदना किसानों के प्रति नहीं की है व्यक्ति की। और पुलिस और पीएससी के सौतेले व्यवहार पर भी उन्होंने सरकार को जमकर कोसा और ये भी कहा कि पत्रकार बंधुओं में असमानता लगातार दिखती आ रही है। बड़ी मछली छोटी मछली को लगातार निकल रही है और समाजवादी पार्टी को भी कई तरह की उपलब्धियों के बारे में बताया और ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी तो पत्रकारों में जो समानता चल रही है ये खत्म की जाएगी और जो भी सरकार में फर्जी मुकदमे सपा के कार्यकर्ताओं पर लगाए गए हैं और भी कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा, जिनमें समाजवादी युवा सोच संगठन के राष्ट्रीय महासचिव सीपी सिंह मुन्नालाल यादव, जिला सैनिक प्रकोष्ठ पर अवधेश कुमार यादव, समाजसेवी सैनिक प्रकोष्ठ सहित तमाम समाजवादी पार्टी के नेता रमेश यादव के आवास पर उपस्थित रहे। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन प्राइम न्यूज में। आज हमें उत्तर प्रदेश के कानपुर के जी रमेश यादव जी का कार्यालय, जो कि समाजवादी युवा सोच संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे जम के निशाना साधा, जिनका कहना है कि रामपुर से सांसद आजम खान साहब, जिनको अगर एक चीटी भी मर जाए तो उनको फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाता है। और भी कई मुद्दों पर इंडियन प्राइम न्यूज ने बात की, उन्होंने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साधा और उनका सीधा सीधा साफ साफ ये भी कहना है कि समाजवादी पार्टी अब पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। भारतीय समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर वो उत्तर प्रदेश में आएगी? देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ने चार साल में इनके पूरे 5 बजट पेश हो चुके हैं, कोई नहीं किया, जनता के भला नहीं किया, न जनता के लिए कोई काम किया इन्होंने, ठीक है ना। और 4 साल में जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माने श्री अखिलेश यादव जी के कार्यों का इन्होंने फीता काटा है और कोई शैलंदाज किया है, चाहे प्रधानमंत्री जी आए हो चाहे कोई मंत्री आए, सब काम पर कोई जमीन काम नहीं दिखता है। और समाजवादी पार्टी ने जैसे कि लखनऊ आगरा एस पी भी रिकॉर्ड बना दिया है, जिस पर आप उसको सारे भवन कार्य दिखा दिए हैं, मेट्रो दी है 5 जिलों महानगरों में मेट्रो दी है, जो कि योगी जी है उसी को फीता कटवा रहे हैं। और बच्चों को 19.5 लाख, मैं समझता हूँ 19.5 लाख लगभग लैपटॉप बांटे हैं, वृद्धाओं को पेंशन दिया है, बच्चों शादियों के लिए पैसा दिया है, मतलब 12-13 यूनिवर्सिटी बनवाए हैं, कितने हॉस्टल बनवाए हैं, 350-400 के हॉस्टल बनवाए हैं। मैं समझता हूँ जब से देश आजाद हुआ है किसी भी गवर्नमेंट ने इतना कार्य नहीं किया है जितनी की समाजवादी पार्टी ने कार्य किया है। लेकिन सर, योगी सरकार कह रही हमने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया है और अभी जो है वीडियो कॉलिंग के माध्यम से लोगों को नियुक्ति पत्र भी दे रहे हैं, जैसा लगा कोरोना को देखते हुए, इस प्रकरण में आपका क्या कहना है? भाई साहब, आप भी जानते हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश के शिक्षक मास्टर हैं, उनको मीटिंग करा के स्कूलों में भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं मास्टरों की जगह पर, अपना प्रचार शुरू कर दिया है, कुछ नहीं किया न करने वाले हैं ये सब। अगर 2 करोड़ रोजगार दिया है, अगर वो प्रमाण दिखा दे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। माननीय मोदी जी कह रहे थे कि मेरे आने के बाद हर साल 2 करोड़ जवानों को नौकरियां देंगे, हमें 10 लाख दिखा दे कहीं, मेरा चैलेंज है। जैसे कि आप देखते पूरा हिंदुस्तान बेच दिया माननीय मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगभग 80%, जैसे ट्रैक्टर होता ट्रैक्टर के चारों पहिए बेच दिए, स्टैंड बेच दिया, इंजन बेच दिया, सिर्फ कवर रह गया हिंदुस्तान में, कुछ ही खोखला हो गया। अब बारी बैंकों की, कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये नहीं बचेगी। तो भैया, अगर ये और रह गए 2-4 साल तो हिंदुस्तान का गरीब जनता बर्बाद हो चुकी है, आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगी और उसी करेंगे
और समाजवादी पार्टी का सत्ता आती है तो कुछ नया करेंगे। हालांकि सर ईवीएम को लेकर भी बहुत बड़ा सवाल हो रहा है, कुछ लोगों का ये कहना है कि ईवीएम को कुछ लोग दोषी मान रहे हैं, कुछ लोग कह रहे इससे चुनाव नहीं होगा, इस संबंध में समाजवादी पार्टी क्या क्या राय है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या इन सब पर? देखिए हमारे सम्मानित माननीय राजद अमेरिकन जी ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में अपील स्वीकार कर ली गई है और मैं समझता हूँ ये ईवीएम व्यक्ति जल्दी ही देश को मुक्ति मिलेगी और इनके प्राण भारतीय जनता पार्टी के प्राण से ईवीएम मशीन में है। नहीं सर, कुछ राज्यों में बैन भी कर दिया गया है। हाँ, वहाँ कोर्ट ने आदेश कर दिया कि बैलेट पेपर चुनाव होगा, तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में क्या हो रहा है ईवीएम को लेकर? जब तक सरकार ये है माननीय योगी सरकार तब तक नहीं हटने देगी, अब अंतरराष्ट्रीय कोर्ट से आदेश आएगा तो इनकी मजबूरी हो जाएगी, हटेगी ये, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। मैं समझता हूँ मशीन नहीं हटेगी, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते, ये मेरा दावा है। तो क्या 2022 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी? मैं दावा है 300 कॉन्फ्रेंस आएगी, हमारी समाजवादी पार्टी 351 सीट लेके सरकार बनाने जा रही है, इसी की बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी को, इसी बौखलाहट है, इसलिए हमला करा रही है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे। लेकिन अगर कमांडो हमारे चुस्त न होते तो वास्ता हमला हो गया था। लेकिन सर 12-13 महीने बचे हैं चुनाव में, समाजवादी पार्टी सड़कों पे ज्यादा दिखती नहीं है, कुछ विपक्ष लोगों का कहना है ये, देखिए वो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आती है, ऐसा कुछ नहीं, विपक्ष भी कह सकता है, विपक्ष में दिखाई दे रहा है, विपक्ष के आंखों में पट्टी बन चुकी है, ठीक बुरी लगते काली पट्टी बांधी उन्होंने। आप देख रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रतिदिन एक दो जिला कवर कर रहे हैं और कार्यकर्ता रोड पे है, घर घर जा रहे हैं, हमें स्वयं जा रहा हूँ और इस बार ने प्रचार शुरू कर दिया हम लोगों ने और सत्ता आगे सरकार बनानी मेरा दावा है। जैसे कि आप लोग सुना होगा कुछ बिंदु में बात रखनी मीडिया के सामने, जैसे कि अभी हम क्रमशः बताएंगे आप लोगों को। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री आजम खान साहब पर जो फर्जी 300 मुकदमा लगाए गए हैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को चेताना चाहेंगे कि ये फर्जी मुकदमा मैं हमारे नेताओं को फंसाना बंद करे, काफ़ी हो गया है और शायद मुझे उम्मीद है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये आवाज़ जाएगी और इस पर विचार करें, माननीय सांसद जी के मुकदमे वापस लें, जैसे कि अपने मुकदमा माननीय मुख्यमंत्री जी ने वापस लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे माननीय सम्मानित सांसद श्री आजम खान साहब पर जो फर्जी मुकदमा लादे हैं और उनके बेटे पर, उनके मिसेस पर, ये सारे मुकदमा वापस लेने की भी मांग करता हूं। इसमें किसको दोषी मानते हैं जो फर्जी मुकदमे लगे हैं? देखिए कहने की बात है, आप भी जानते, सब पूरा प्रदेश जानता है, जो वहाँ के हमारे माननीय डीएम साहब कप्तान साहब को इसलिए भेजा गया था कि अगर रामपुर में कहीं एक चुहाई मर जाए तो माननीय सांसद आजम खान साहब के खिलाफ मुकदमा दायर हो, और ऐसे कर करके लगभग 300 मुकदमा उनके ऊपर केस जबरदस्ती ला दी गई। तो मेरी पार्टी की और मेरी मांग है कि मुकदमा वापस लें और सम्मान तरीके से हमारे सांसद जी को रिहा किया जाए। सर अगर मुकदमा वापस नहीं होता तो समाजवादी पार्टी अगला क्या कदम उठाएगी? अगर मुकदमा वापस नहीं होंगे तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे और रुख करेंगे। ठीक जी सर, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पेपर पढ़ रहे हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, इन तीन काले कानूनों के लिए हमारे किसान 200 किसानों ने की जान चली गई जी, और केंद्र सरकार के कानों में जुआ नहीं देख रहा है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने संवेदना व्यक्त तक नहीं की, जहां 300 किसानों की हत्या हो गई हो, खत्म हो गए हो, और किसी भी चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे रक्षा मंत्री हो, कोई मंत्री ने एक शब्द नहीं कहा है कि मैं उनके परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त करता हूँ, जो कि मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये हत्या कहाँ हुई किसानों की? दिल्ली बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर ही।
समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी कुछ की उनके लिए, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी उन किसानों के लिए कुछ की, कुछ सोची उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में? जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ है, पहली गिरफ्तारी अगर हुई थी तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हुई थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव पहले दिन से और आज दिन तक साथ खड़े हुए हैं, कई एक महापंचायत शामिल हुए हैं, घोषणा किया है कि मैं किसानों के साथ हूँ और साथ रहूंगा। समाजवादी पार्टी कोई कार्यकर्ता वहाँ किसानों से मिलने गया आंदोलन में? बिल्कुल गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने गए और काफी कार्यकर्ता मिलने गए। एक और भी, उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार हुआ, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? इस संबंध में यही कहूंगा कि जो उम्मीद से जनता ने वोट दिया था माननीय योगी जी को, भाजपा को, कह रहे थे कि मेरे आने के बाद गुंडे या तो ऊपर होंगे या जेल में होंगे, कोई अत्याचार नहीं होगा, कोई बलात्कार नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कोई पेपर देख लें आप, मीडिया बंद है, आप खुद जानते हैं बात को, कोई दिन खाली नहीं जाता है जो 10-5 बलात्कार उत्तर प्रदेश में ना होते हों। एक हिंदुस्तान में यहाँ से पश्चिम बंगाल तक, बिहार तक, आसाम तक, एक उत्तर प्रदेश उदाहरण बन गया है बलात्कारों के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आउट ऑफ स्टेट प्रचार में लगे हुए हैं, प्रदेश कोई चिंता नहीं, जनता को कोई चिंता नहीं है। जब देखिए महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, महिलाओं के लिए उत्पीड़न, मैं समझता हूँ इसके लिए भी मुझे समाजवादी पार्टियों को बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाके राहत के सांस मिलेगी। सर एक प्रश्न और है, चूंकि आप भी पुलिस विभाग में रहे हैं, एक सिपाहियों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि 10 साल में उनका प्रमोशन कर दिया जाता है, वहीं पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और PSC, इनमें क्या अंतर है और इनके प्रमोशन में क्या इस समय अब आ रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार पुलिस और PSC में सौतेला व्यवहार कर रही है, दूसरे दिखाई देता है। जैसे कि नागरिक पुलिस, जिला पुलिस का कांस्टेबल 10 साल नौकरी हो गई है, तुरंत हेड बना दिया, और PSC में चाहे वो 25 साल तक के कांस्टेबल हो गए हैं, उनको अभी प्रमोशन नहीं मिला है। मैं समझता हूं कि इसके सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है PSC के जवानों के सामने। सेकेंड पॉइंट PSC पुलिस का, जैसे अब मार्च है, जवानों को एक्स्ट्रा पे मिलेगी छुट्टी, लगभग छुट्टी 80-90 दिन की छुट्टी होती है, लेकिन एक्स्ट्रा पे इनको 30 दिन की दी जाती है, ये गलत है। सरकार को जितनी छुट्टी होती है साल में, उनकी टोटल 90 दिन के, मैं मांग करता सरकार के 90 दिन का इनको पूरा वेतन एक्स्ट्रा पे के रूप में दिया जाना चाहिए। सर पत्रकार बंधुओं के लिए भी आपने एक मुद्दा बताया था कि उनमें असमानता दिखती, बड़ी मछली छोटे मछली को खा जाती है, इस शब्दों का क्या अर्थ है? मैं इसमें यही बोलूंगा कि जो बड़े पत्रकार हैं, बड़े चैनल हैं, छोटे पत्रकारों को बोलने नहीं देती है, क्रम पे प्रश्न लगा देते हैं और नहीं तो यहाँ तक पटवा भी देते हैं। तो अगर मैं सत्ता में आते हैं तो छोटे पत्रकार बंधुओं को सक्षम बनाने काम करेंगे, इनको बड़ा पत्रकार बनाने का काम करेंगे, ताकि इनको कोई दबाव न जाए और निष्पक्ष कलम से काम करने दिया, लिखने दिया इनको।